नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है आज हम फिर चर्चा करेंगे कोविड 19 के बारे में और खास तौर से हमारे मुल्क में इसकी क्या स्थिति है और दुनिया की दृष्टि से हम चलिए पहले देखते हैं दुनिया की फिगर्स जहां से हमें कुछ मालूम पड़ेगा कि हम किस तरह से बढ़ रहे हैं दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं और तौर से क्या दोबारा बहुत जगहों पे जो राइज नंबर्स की दिखने को मिल रही है क्या है हमारे यहाँ भी, भी कुछ जगहों पर लगता है कि कुछ घट गया है पहले देखिए ये है दुनिया की की हालात हर मुल्कों की, हमने पिछले पी, 24 घंटे में नए केस जो आए हैं उसको सबसे ऊपर किया है उसमें हम अभी भी इस मामले में सबसे आगे हैं करीब सत्तर हजार के लगभग हमारी डेली फिगर्स इस वक्त है एक वक्त पे आपको याद होगा नब्बे हजारे पहुंच गया था अब थोड़ी इससे फिगर्स घटे हैं तो नब्बे हजार के सत्तर हजार के लगभग है और अमेरिका का फिगर साठ हजार के लगभग है अमेरिका के फिगर पिछले बार पिछले कुछ दिन में फिर बढ़ने लगा है ब्राजील का फिगर्स बढ़ा है कुछ फ्रांस के फिगर का काफी बड़े हैं और यूके की फिगर्स भी काफी बड़े हैं स्पेन के फिगर्स बढ़े हैं इसमें से लगता है कि हम देखेंगे जब चार्ट्स में हमारे कि दोबारा कुछ जगहों पे नंबर बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ अभी भी नंबर घटने की तरफ है पर अभी भी हम सब मुल्कों से काफी ज्यादा संख्या में नए केसेस देख रहे हैं इसका मतलब पहले जैसे रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है पर रफ्तार अभी भी जारी है और हम इस पैंडमिक के इस वक्त कंट्रोल में नहीं है अगर देखा जाए ये फिगर अगर जारी रहा तो हम शायद एक महीने में अमेरिका को क्रॉस कर जाएंगे वो अभी 80 लाख के लगभग है हम तिहत्तर लाख के लगभग हैं टोटल केसेस तो हम शायद टोटल केस केसेस में भी उनसे आगे आगे बढ़ जाएंगे आइए देखते हैं कोविड 19 की जो दूसरे मुल्कों की स्थिति है वो क्या है ये अगर देखें तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पर है अभी एक्टिव केसेस को अगर सिर्फ देखें तो यहाँ पर करीब 48 लाख 43 लैक्स 4.3 मिलियन केसेस एक्टिव है इस वक्त हमारे यहाँ पर करीब वही चीज अगर देखें कि हम देखेंगे कि करीब आठ लाख 8.67 मिलियन हमारे यहाँ पर एक्टिव केसेस है और और ये अगर हम देखें तो एक्टिव केसेस की, केस की संख्या हमारे यहाँ इस वक्त घट रही है क्योंकि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं कुछ हद तक वो ठीक हो रहे हैं न्यू केसेस फिर भी अगर उसकी चार्ट हम देखें तो न्यू केसेस में देखेंगे हमारी थोड़ी सी संख्या गिरने के बावजूद हम अभी भी दूसरे मुल्कों से काफी आगे हैं चिंता की बात दूसरे मुल्कों के लिए है कि जहां पर उनकी संख्या पहले गिरी थी वो फिर बढ़ रहा है जैसे रूस में संख्या न्यू केसेस की पहले काफी गिरी थी इस वक्त फिर बढ़ गया है दोगुना से ज्यादा हो गया है अब यही स्थिति और भी मुल्कों में भी देखने को मिल रहा है जैसे हम देखेंगे जैसे स्पेन पहले स्पेन की संख्या काफी घट गया था डेली फिगर स्पेन की करीब 1500 के लगभग हो गया था अब जो है फिर वो दस हजार के ऊपर पहुंच गया है इसका मतलब बहुत मुल्कों में फिगर्स कंट्रोल आने के बाद फिर दोबारा फिगर्स बढ़ रहा है और यही चीज हमको भी इसके बारे में सचेत रहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो जैसे हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्स अगर हम देखेंगे देखेंगे साउथ इंडिया महाराष्ट्र के नीचे जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र को मिला के तो उसमें पहले पहले दौर में काफी संख्या लोग बीमार पड़े हैं एक्टिव केसेस अभी भी वो आगे हैं। तमिलनाडु पहले सबसे ज्यादा था महाराष्ट्र अभी भी नए केसेस एक्टिव केसेस दोनों में काफी पैमाने में फिगर्स उनकी आगे हैं, पर तमिलनाडु में थोड़ी सी फिगर्स पे कंट्रोल है इस वक्त पर उसके साथ साथ देखेंगे तेलंगाना काफी केसेस है आंध्रा में काफी केसेस है और कर्नाटक में काफी केसेस है केरल में भी, भी काफी केसेस को देखने को मिल रहा है नॉर्थ इंडिया की हालत अगर देखेंगे तो हम देख सकते डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्स अगर लेंगे तो हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में अभी भी उस पैमाने पे संख्या बढ़ी नहीं है हालांकि कुछ जगहों पे काफी एक्टिव केसेस हैं राजस्थान में है हरियाणा में है पंजाब में है और खासतौर से यूपी में तो है ही तो ये दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक साथ हर जगह पे ये बीमारी महामारी फैलेगी बारी बारी में जगह जगह पे बढ़ेगी घटेगी फिर बढ़ने की संभावना है तो जहां तक ये फिगर्स है उसे साफ है कि बढ़ना घटना कुछ हद तक संयोग है इस पर कोई खास हम काबू नहीं ला पाएंगे जब तक हमें हमारे हाथ में वैक्सीन नहीं होगा कुछ लोग कह रहे हैं अभी कि कि कोरोना वायरस जो है कि हर्ड इम्यूनिटी के जरिए भी हम घटा सकते हैं उसके बारे में एक डिक्लेरेशन कुछ लोगों की आई है कि वो कह तो नहीं है हर्ड इम्यूनिटी के शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे उनका मकसद यही है कि आम लोगों में फैल फैलने दिया जाए बूढ़े और जो कोमॉर्बिडिटी जिसमें है उनको अलग रखा जाए उनको प्रोटेक्ट किया जाए और दूसरों में इसको खुलेआम छोड़ देना चाहिए और इसके साथ साथ इकोनॉमी पर हमें ध्यान नजर देना चाहिए ध्यान देना चाहिए ताकि ये इकोनॉमिक डाउन टर्न बंद हो तो इसके एक जो समझ है कि इसके पीछे कि हर्ड इम्यूनिटी के मतलब नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है लोग बीमार पड़ेंगे इम्यूनिटी बन जाएगी उनकी शरीर में एंटीबॉडीज होगी और उसके जरिए और दोबारा वो बीमारी उनके पर उनमें नहीं पहुंचेगा तो ये जो समझ है ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं ये बिल्कुल गलत है क्यों गलत है क्योंकि दो चीज के लिए एक तो है सबको बीमार करना इस तरह संभव नहीं है एक वक्त और एक वक्त पे अगर बीमार नहीं हुए है, तो इम्यूनिटी कितना दिन तक रहेगा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पे है जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी रहेगा जैसे स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स में होता है ये इन्फ्लुएंजा की तरह होगा तीन महीने चार महीने पांच महीने के लिए इम्यूनिटी होगी इसके बाद इम्यूनिटी नहीं होगी फिर से आपको दोबारा इम्यूनिटी के लिए ये तो वैक्सीन लेना पड़ेगा ये तो फिर अब बीमार पड़ेंगे तब इम्यूनिटी होगी इसका मतलब नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन सकती क्योंकि लोगों के पास ये इम्यूनिटी जिंदगी के लिए नहीं होगा यही ज्यादा मुमकिन है खास तौर से जो नेचुरल इंफेक्शन होते हो रहे हैं उससे ये नहीं होगा ऑलरेडी हमारे पास फिगर्स कि कुछ लोग दोबारा बीमार पड़ रहे हैं इसका मतलब इम्यूनिटी नहीं है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की बात तो भूल ही भूल ही जाइए तो ये जो गलत गलत खबर दी जा रही है ये तो कही जा रही है इसका बुनियादी जो ना समझी है वो इस बात पे है कि बिना वैक्सीन के भी हर्ड इम्यूनिटी बन सकती है जबकि इतिहास हमें बताता है कोई भी बीमारी हर्ड इम्यूनिटी तभी आया जब हमारे हाथ में वैक्सीन रहा आइए जिक्र करते हैं वैक्सीन के बारे में वैक्सीन के जो बातचीत चल रही है डॉक्टर हर्षवर्धन पहली बार वो हेल्थ के बारे में मुंह खोल रहे हैं पहले एक दो बार खोला जरूर है ज्यादातर महामारी के बारे में वक्तव्य जो आई है ये तो सरकारी कुछ नुमाइंदों के जबान से आई है ये तो होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस लगातार रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स की के, तरह, रिपोर्ट के आई है वही गाइडलाइंस हमारे लिए महामारी के बारे में गाइडलाइंस थी अब हेल्थ मिनिस्ट्री हर्षवर्धन इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि हम वैक्सीन देंगे वैक्सीन की जो पहुंचाने की जरूरत है उसकी हम देखभाल कर रहे हैं और 20 से 25 करोड़ लोगों को हम 2021 के बीच तक हम वैक्सीन दे पाएंगे अभी भी इस पर बहुत सारे और प्रश्न चिन्ह है कौन सा वैक्सीन सफल होगा कितना सफल होगा ये हमको देख देखनी पड़ेगी पर अगर मानते हैं कि इस वक्त 11-12 वैक्सीन फेज थ्री ट्रायल्स में है उनको वैक्सीन कैंडिडेट्स कहना चाहिए क्योंकि जब तक सबूत नहीं हाथ में आता तब तक हम इसको वैक्सीन कैंडिडेट ही कहते हैं तो ये बा, ग्यारह बारह जो वैक्सीन इस वक्त फेज थ्री ट्रायल्स पे है और भी कुछ वैक्सीन फेज थ्री ट्रायल्स पे पहुंचेंगे तो उसमें से कुछ सफल होंगे इसका आशा हम रख सकते हैं क्योंकि पहले की जो डेटा आ, आ रहे हमारे पास उससे लग रहा है कि एंटीबॉडीज बन रहे हैं और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज लोगों के शरीर में वैक्सीन की वजह से होगा पर सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पे देश भर में वैक्सीन पहुंचाना मामूली काम नहीं होगा ये वन नहीं है इसको दो बार देना पड़ेगा और जो अलग अलग वैक्सीन आ रहे हैं उसमें डोजेज कितना होगा और कितने दिन के बाद देंगे इसके बारे में भी काफी डिफरेंसेस है कुछ को छह हफ्ता कुछ को दो हफ्ता इस तरह देनी पड़ेगी इसका मतलब है कि वैक्सीन अगर एक वैक्सीन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कई वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे जो हो सकता है हमें करना पड़ेगा क्योंकि इतने तो बल्क मात्रा में बड़े पैमाने में बहुत ज्यादा वैक्सीन किसी एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से शायद नहीं मिलेगा तब ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कौन सी वैक्सीन किसको मिल रहा है और उस हिसाब से शेड्यूल बनानी पड़ेगी दूसरी बात है इसमें कोल्ड चेन चाहिए जैसे पोलियो वैक्सीन के लिए भी कोल्ड चेन चाहिए था यहां भी कोल्ड चेन चाहिए होगा और हम जो वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे शायद दो से आठ डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उसको रखना पड़ेगा और मॉडर्ना और भी कुछ ऐसे वैक्सीन है जो कि माइनस सत्तर माइनस अस्सी डिग्री के बीच में रखना पड़ता है उसको हम शायद इस्तेमाल नहीं करेंगे शुक्र है क्योंकि अगर उसको इस्तेमाल करना था तो हमारे लिए शायद संभव नहीं होता बड़े पैमाने में इस वैक्सीन को आम जनता तक पहुंचाना पर फिर भी 20 25 करोड़ लोगों को दो दाग दो डोज हमको देना पड़ेगा एक कुछ दिनों के अंतर दोनों के अंदर में और उसके साथ-साथ कोल्ड चेन में इतने बड़े पैमाने पे हर जगह पे वैक्सीन पहुंचाना पड़ेगा और एक जगह पे दो तरह की वैक्सीन पहुंचाएंगे या एक ही तरह की वैक्सीन पहुंचाएंगे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है जो केंद्र राज्य सरकारों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आम जो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है अस्पताल और भी जो आपके क्लिनिक्स है सबको मिलके करना पड़ेगा क्या जो अभी तक हम करते आए हैं सरकारी वक्तव्यों से और डंडे के बल पे पुलिस की पुलिस के जरिए जो हम करते आए हैं ये वाला काम नहीं चलेगा उससे लॉकडाउन हो सकता है वो भी इतना सफल नहीं हुआ पर इस तरह से वैक्सीनेशन पब्लिक हेल्थ मेजर डंडे के बल पे नहीं होगा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है दूसरा चैलेंज ये भी है कि किसको मिलेगा किसको पहले देंगे हेल्थ वर्कर्स को देंगे जो आपके रोजमर्रा के जीवन के लिए जो बहुत जरूरी वर्क फोर्स है एसेंशियल सर्विसेज उनको देंगे जो बूढ़े लोग हैं मेरे जैसे लोग जिनकी कोमोर्बिटिटीज है उनको पहले देंगे ये चीजें अभी सरकार तय कर रही है इस पे कोई राय नहीं है जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है जो अस्पताल में काम करते डिस्पेंसरीज में काम करते जो वैक्सीनेट करेंगे लोगों को उनको पहले वैक्सीन देना पड़ेगा इसमें कोई दो राय नहीं है इसके बाद एसेंशियल सर्विसेज हमारे हिसाब से तो उनको देना चाहिए पर कौन-कौन से एसेंशियल सर्विस कौन एसेंशियल सर्विस में आते हैं कैटेगरी में ये सब देखनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात है कि उन तक वैक्सीन सफल रूप में पहुंचाना एक बहुत बड़ा राजनीतिक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है वो हम कैसे पूरा करेंगे ये देखने की जरूरत है शुक्र है कि हम आम कैसे इसको करेंगे उस प्लान के बारे में बातचीत चल रही है हमारे उम्मीद यही है कि ओपन ट्रांसपेरेंसी के साथ ये कैसे किया जाएगा तभी हम फीडबैक दे सकते हैं इन प्लान को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो पब्लिक हेल्थ बॉडीज हैं हमारे देश में वो भी इसमें शिरकत कर सकते हैं एक टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच इस पर ना अपनाया जाए जो अभी तक हमारे कोविड नाइन्टीन केस में केंद्र सरकार अभी तक कर रही है इसकी हम देखते रहेंगे और इस, इस चीजों को बात करने के लिए न्यूज क्लिक में हम अपनी बातचीत आपके सामने रखेंगे आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और हमारे वेबसाइट भी आइएगा